तेजस की डिलीवरी का इशू आजकल बार बार सामने आ रहा है, जिसमें HAL द्वारा LCA Mark 1A की पहली यूनिट की डिलीवरी में कई बार डिले किया जा चुका है। ओरिजिनल डिलीवरी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग Mark 1A की फर्स्ट यूनिट की डिलीवरी इस साल फरवरी में प्लान्ड थी, जो बाद में मार्च एंड में शिफ्ट कर दी गई। उसके बाद फर्दर 4 से 5 महीनों का डिले बताया गया और कुछ टाइम पहले कहा गया था कि 15 अगस्त तक पहली यूनिट को डिलीवर किया जाएगा, बट अभी रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग ये डिलीवरी टाइमलाइन फर्दर शिफ्ट हो चुकी है। रिसेंटली IAF की तरफ से ये कहा गया है कि फर्स्ट LCA Mark 1A इस साल नवंबर तक रिसीव होगा। HAL की तरफ से इस फिस्कल ईयर मार्च 2025 तक 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की बात कही गई थी, बट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज का कहना है कि HAL मार्च तक 16 LCA डिलीवर नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि मार्च तक IAF को 8 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी भी बहुत मुश्किल से होगी। नाउ इसमें जो लार्जर इशू है वो इंजन्स का है, जिसकी सप्लाई GE Aerospace द्वारा HAL को अभी तक नहीं हो पाई है। बट ये एक सोल इशू नहीं है, कुछ और डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ भी बताए जा रहे हैं, पर क्योंकि इंजन का इशू मेजर इशू है, सो इसी वजह से HAL से रिलेटेड बाकी इश्यूज इतने हाईलाइट नहीं हो पाए हैं। देखा जाए तो 2021 में GE Aerospace को 99F404IN20 इंजन्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसकी डिलीवरी इस साल मार्च से स्टार्ट होनी थी, और कंपनी की तरफ से अभी तक एक सिंगल इंजन भी सप्लाई नहीं किया गया है। बट LCA Mark 1A की जो पहली यूनिट की बात हम कर रहे हैं, उसकी जब मार्च में टेस्ट फ्लाइट्स हुई थी तो उसमें HAL ने कैटेगरी B यानी रिजर्व्ड इंजन यूज़ किया था। रिजर्व्ड इंजन्स टेस्टिंग या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होते हैं, सीधा सीधा कहें तो मोस्टली यूज्ड इंजन्स। सो अगर इस यूनिट की बात करें तो इंजन तो ऑलरेडी है, बट फिर भी बाकी इश्यूज के कारण HAL उसकी डिलीवरी नहीं कर सकता। बट फिर भी लॉजिकली देखें तो ब्रांड न्यू फाइटर जेट में ओल्ड इंजन का यूज़ कोई सेंस क्रिएट नहीं करता। सो क्योंकि फर्स्ट यूनिट की डिलीवरी अब नवंबर में बताई जा रही है, तो उस यूनिट में ये तो श्योर है कि नया इंजन ही फिट किया जाएगा, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरर का कहना है कि वो सितंबर से इंजन्स की डिलीवरी शुरू करेंगे। बट फिर भी अगर ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू बना रहता है, जिसकी वजह से इंजन्स डिले हुए हैं, तो उस हिसाब से 8 से 10 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी HAL मार्च तक नहीं कर पाएगा। बट डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL को मार्च तक 18 एयरक्राफ्ट्स हर हाल में डिलीवर करने को कहा है, पर अगर GE Aerospace 18 इंजन्स HAL को सप्लाई नहीं कर पाया तो क्या LCAs में रिजर्व्ड इंजन्स फिट किए जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। ओल्ड इंजन का यूज़, जैसे हमने बात की, कि टेस्टिंग या सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही किया जाता है। सो IAF के पास अब इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बट यस, तेजस की डिलीवरी टाइमलाइंस में लंबा डिले IAF के लिए चिंता का विषय है, और एक अंदाजे के हिसाब से हम ये मानकर चलें कि अगर मार्च तक HAL 8 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर करता है तो 2025 एंड तक LCA Mark 1A की मैक्सिमम 1 स्क्वाड्रॉन को ही रेस किया जा सकेगा। ये हम GE Aerospace की इंजन डिलीवरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि GE पर मंथ 1 से 2 इंजन्स ही HAL को डिलीवर कर सकता है। इसके साथ ही IAF की रिड्यूसिंग स्क्वाड्रॉन्स का इशू भी पैरेलली चल रहा है, जिसमें 2025 एंड तक MiG-21 की 2 रिमेनिंग स्क्वाड्रॉन्स फेस आउट होने वाली हैं। इसके बाद ट्रेनर्स की बात करते हैं। LCA Mark 1 ट्विन सीटर ट्रेनर्स की डिलीवरी भी अभी पेंडिंग है। टोटल 8 ट्विन सीटर LCAs का ऑर्डर था, जिसमें से HAL IAF को अभी 5 ही डिलीवर कर पाया है। ये अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें IAF ने 40 LCA Mark 1 ऑर्डर किए थे और 40 में से 32 सिंगल सीटर फाइटर्स थे और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर्स। इसके बाद 2021 में जो 83 Mark 1A का टेंडर HAL को दिया गया था, जिनके डिलीवरी डिले की हमने बात की है, उन 83 यूनिट्स में से 73 सिंगल सीटर फाइटर्स थे और 10 MK-1A ट्रेनर्स। सो टोटल 13 LCA ट्विन सीटर्स की डिलीवरी अभी पेंडिंग है। ये LCA ट्रेनर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि इनसे पायलट्स को एक्चुअल एयरक्राफ्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने और उस पर कंप्लीट कंट्रोल पाने में कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसमें पायलट ट्रेनिंग के साथ एक एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर मौजूद होता है।
एक पायलट ट्रेनी जब ट्रेनिंग की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसको बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसको इंटरमीडिएट ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर ग्रेजुएट किया जाता है और लास्ट में उसको एक्चुअल एयरक्राफ्ट के ट्रेनर वेरिएंट पर शिफ्ट किया जाता है और फिर इंटेंस ट्रेनिंग के बाद ही आखिर में वो एक्चुअल सिंगल सीटर फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए रेडी होता है। सो ना सिर्फ LCA सिंगल सीटर फाइटर जेट्स बल्कि ट्विन सीटर ट्रेनर्स की टाइमली डिलीवरी भी बहुत क्रूशल है। बट अभी देखना होगा कि HAL LCS की टाइमली डिलीवरी की अपनी कमिटमेंट्स और इंजन्स डिलीवरी के इशू को कैसे हल करती है।